कावासाकी 650 ड्यूक फकीर जैसे सुबह सुबह आए हुए हैं। ओ भाई कितनी बड़ी बड़ी बाइक्स लग रही है ये तो, हर कुछ भाई टायर देख उसका यार। हो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो यार अभी का सीन ऐसा, अभी जो सुबह सुबह हो गई है, 6 बज रहे हैं, हल्का हल्का वहाँ से सनराइज हो रहा है और मैं और तिवारी बस तैयार हो गया, हम जा रहे हैं सोलन। ऐसी एक छोटी सी राइड प्लान हुई है और शशांक भाई भी अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं, R15 उनके पास। तो देखते हैं बढ़िया से क्या सीन बनता है। एक तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है, जितनी बार मैं सोचता हूँ कि ब्लॉग बनाऊंगा उतनी बार कुछ ना कुछ हो जाता है। लगा हुआ है सामने अपना बादल, ये कल तो यार बादल का टायर ही पंचर हो गया था और मेरा इसका टायर भी हल्का सा गंजा हो गया ना, तो इसको ठीक कराने के लिए मेरे को बढ़िया मैं खड़ा खड़ा हो गया बाइक पे और वहाँ से ऊपर ही माजरा में कराया। ठीक चल रहे भाई। भाई और एक्चुअली ना बात ही हम सोलन इसलिए जा रहे हैं कि मेरा कुछ काम भी है तो वो काम भी कर लेंगे। नहीं इस, इसको पता नहीं क्या काम है, इसको कुछ काम था तो पता नहीं, देखते हैं इसका भी काम, इसको छोड़ दूंगा सोलन में फिर आ जाऊंगा वहाँ से जीते। तो बस बढ़िया जा रही है, अभी देखते हैं भाई को करते कोर्स। शशांक भाई को फोन करना है कि कहाँ हुआ, बढ़िया से कोल्ड हार्ट कर दी तिवारी, इसको साफ तो कर दे यार, देख गिल्ला हो गया बादल, बादल इज वेट यार तिवारी। तूने किया हम वेट इसको, कपड़ा क्या दबड़ा आप हो जाता है, कर इसको साफ थोड़ा सा, बंदी आ रही है पीछे से तो क्या हो गया, चली गई कर दे। तो गाइस बढ़िया से कोल्ड स्टार्ट हो गया बादल, वो देखो वो देख पीछे सनराइज कितना सेक्सी लग रहा है। इससे मार दूं, इससे क्यों मार, मैंने पहनना है कपड़ा, दे दे पकड़ इसको यार। गाइस ये इनको देसी जुगाड़ ही नहीं पता बंदों को, ऐसे करना और ऐसे, नहीं वो तो अच्छी बात है तो वैसे डेली जेब में भर के लेके जाते हैं। ठीक है गाइस ये बातें भी ऐसी बताता है ना मेरे को जो मैं ब्लॉग में डाल ही नहीं सकता हूँ, बस मैं भी बाहर जाता हूँ। तो ठीक है मिलते हैं सीधे मोटर ब्लॉग सेटअप में। ठीक है हाय, जैसे जैसे मोटर ब्लॉग सेटअप पे शिफ्ट करता हूँ ना मेरे को अंदर से अलग ही जोश आ जाता है। वो बताया कि एक ऐसी राइड प्लान करी है, मैं कल सोया हुआ था बढ़िया, शशांक भाई का फोन आया कि कहाँ है, मैं क्या मैं तो यही हूँ रूम पे, आपका करते कल राइड पे चलना है। भाई यहीं जैसे खड़ता हूँ मैं, कहीं वेट करता हूँ उनका, बाकी जैसा होगा मैं आपको बताता हूँ। वेलकम वेलकम वेलकम, हेलो भाई जी, हेलो बिल्कुल सही टाइम पे, वो पता नहीं क्या हुआ है मेरे काम लेना। तो गाइस शशांक भाई भी आ गए अपने बीस्ट के साथ, भाई आपने बोला ना तब चला हूँ मैं, पता है आपको आंखें देख के लग रहा है आपको मेरी कि मैं जाने की हालत में हूँ। बिल्कुल तिवारी को मैंने उठाया था कि मार के मैं क्या उठ उसको लग रहा था कि हम गाड़ी में जा रहे हैं। हाँ मेरे उसको बोला चल चल तैयार हो हेलमेट पहन, हेलमेट मेरे को लग रहा था हम गाड़ी में जा रहे हैं, मैं क्या डेडी भाई चल गाड़ी में बस अब चलने वाले हैं, मैं ऐसे मतलब चल ही पड़े हैं। शशांक भाई आगे आगे चलेंगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा। बढ़िया बैठ जा तिवारी, और बीच जैसे मैं R15 चलाऊंगा, शशांक भाई बादल चलाएंगे। ठीक है चलो, चंडीगढ़ वैसे ना खाली खाली से अच्छा लगता है ना, नहीं तो ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए। ओके ओके रिफ्यूल करवा लेते, तेल भरवा लेता हूँ। तो गाइस तेल तूल भरवा लिया अपन ने बढ़िया से, और वाह कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह ऐसे साथ साथ चल रहे हो। ये नाइस, कौन सी बाइक है ये पता नहीं लग रहा है कुछ। शशांक भाई कहाँ गए? यहाँ बंदे वेट कर रहे हैं राइड में जाने के लिए कहीं पे। वाह नाइस नाइस नाइस, मैंने सोचा है ट्रैफिक ही नहीं मिलेगा। शशांक भाई आराम से, जैसे अपने को भी ऐसे निकालना पड़ेगा अब, और करता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कैसे कैसे बोलना होता है। बट ठीक है आप लोग देखते हो नंबर में, आपको ब्लॉग देखेंगे अपा टोल नहीं देंगे, अपा निकल जाएंगे साइड साइड से, मिल रहे हैं अपने को यहाँ पे। वाह वाह गाइस हिमालयन कावासाकी 650 ड्यूक, और यहाँ पे बाइक सी बाइक है। इतने बंदे आ रहे थे पीछे, कहाँ गए सारे? नैनों से नजरें मिली तो एक, बस वैसी वैसी भाई बात है मेरे को, जब भी मैं सोलन आता हूँ एकदम से सारे वो जो इंसिडेंट्स होते हैं ना पुराने, सारी कॉलेज लाइफ एकदम ऐसे मुंह पे थप्पड़ मार के आते हैं, एकदम थप्पड़ मार के आती है कि भाई जी आप यहीं थे, ठीक है ज़्यादा उड़ो मत, यहीं से निकले हो। तो भी यहाँ पीछे से खूंखार से बंदे कुछ, वाह वाह दुकाती भाई दुकाती, ओ भाई कितनी बड़ी बड़ी बाइक्स लग रही है ये तो, हर कुछ भाई टायर देख उसका यार।
हर कुछ स्पीड ब्रेक कर शशांक मजा आ गया अलग ही मजा। अरे पीछे रहना बड़े नहीं बैठे मेरे पीछे यार, अभी पता लीन मारा हमने इसे ऐसे उठ सकी थी स्कूटी वाली चली हुई एक, बट भाई जो लीन मतलब जो देखने में मजा आया ना आप लोगों को, हर कुछ मजा आया है भाई। क्या लीन मारे आपने बैंड, हर कुछ सेक्सी। आराम आराम से चले गया, धूप आ गई धूप। चलो तिवारी ने गाइस अपनी जान पे खेल के शॉर्ट्स लिए हैं मेरे, वो बढ़िया से इंस्टाग्राम पे देखना, अभी पीछे रिकॉर्डिंग ही बंद थी। ओहो अरे शूलिन यूनिवर्सिटी वी आर कमिंग हम आ रहे हैं। तो गाइस आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि शूलिनी को कहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है भाई, देख लिया ना कुमारहट्टी से अंदर को मुड़ जाता है, बाकी सोलन से होकर जाना है तो वो भी ठीक है, बट हम तो यही प्रेफर करते कभी भी चंडीगढ़ साइड से आओ तो यहाँ से। अरे लंगूर भैया कहाँ सुबह दर्शन दे दिया आपने हमें, इतनी ब्रेक ना उतनी वो नहीं हो रही है, अभी तो मैंने ब्रेक पैडल लगाए थे, शायद मैंने कल टायर वो खुलवाया ना तो उसने ढंग से लगाया नहीं, और मेरे को देखो पता भी कहाँ जैसे लग रहा है जाके। सब कुछ हो गया, 4 साल हो गए पास आउट हो गए, सड़क ठीक नहीं हुई है बस। गाइस शूलिन यूनिवर्सिटी देख लो, बड़ी एडमिशन लो मत ही लो, मतलब ले ही लो, बस यही रास्ता है वो देखना, बस ऐसे बंदे ना आए ना सामने से तब बढ़िया मज़े में निकलती है यहाँ से बाइक्स, कोई आज ऐसे गस्सा दे दे तो फिर क्या ही बोलना किसी को। यार टपरी तो बंद है, वो पागल संडे है अभी टाइम भी नहीं हुआ, 8:30-9 तो बजते ही है, संडे को 10 बजे तक तो हाय। कैसा लग रहा है भाई जी फिर शूलिनी आके पकड़ है, शूलिनी बदल गई है कुछ है ना, वही तो बात है वाइब नहीं है वैसी बल्ली बल्ली, खाली खाली सब कुछ, या तो हम जाते जल्दी आ गए कुछ बादल की पुरानी जगह क्या ऐसे थोड़ी गिर जाएगा, ये बुक कराई थी जगह मैंने, गाइस यहीं पे मैं खड़ा था बाइक अपनी कुछ नहीं भाई कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ऐसा ऐसी ना, थोड़ी देर बैठूंगा गोप्रो में, चार्जिंग भी खत्म होने वाली है, देखता हूँ किसी बंदे को फोन करता हूँ उसके रूम पे लगाऊंगा। पहुंच गया मैं यहाँ पे अपनी पुरानी वाली लोकेशन पे, ये देखो अपनी टपरी बट है नहीं कोई यहाँ पे सुबह, या तो हम भी ज्यादा जल्दी आ गए पर ठीक है जैसा भी है मजा आ गया। फिर तिवारी कैसी रही राइड, तू तो जाएगा नहीं हमारे साथ वापिस ना, यहीं पे साथ छोड़ रहे हैं हमारा भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ आपको ना भाई जी यहीं रुक रहा है, पूछो जरा इसको क्या काम है, क्यों रुक रहा है भाई यहाँ पे, अब मेरा एक फ्रेंड है उससे मिलने आया, वो गोप्रो में चार्जिंग है उसको चार्जिंग लगा दी है पावर बैंक के साथ। थैंक यू तिवारी जी को थैंक यू कर दो कमेंट में, शूलिनी को थैंक यू बोलना यहीं से लिया मैंने, ऊपर जाने यूनिवर्सिटी जाना ऊपर नहीं यार कोई नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लगेंगे हम फकीर जैसे सुबह सुबह आए हुए कौन आ गए। ओहो हाथ भी पूरे ड्राइवर रखे हैं, तो ऐसा सीन है अभी बस देखते हैं क्या प्लान बनता है, अभी थोड़ी देर यहीं पे घूमूंगा मैं, जैसा भी होगा दिखाऊंगा आप लोगों को, फुल पावर टेंशन नहीं लेनी है किसी बात की, और बंदों को देखता हूँ फ़ोन करता हूँ किसी को, मेरे को पता है कोई तो उठा नहीं होगा क्योंकि कल सैटरडे था, बढ़िया सब समझ रहे हो आप। मैं थोड़ा इस साइड आ गया उधर राजगढ़ वाली साइड अपने एक फ्रेंड के साथ, शशांक भाई और तिवारी परे है यूनिवर्सिटी के पास वेट कर रहे हैं, मतलब 0 पॉइंट के पास है, तो बस वहीं जा रहे हैं भाई। इतनी धूप इतनी गर्मी और इतनी धूल, इतना बकवास रास्ता हो गया ना भाई ये वाला, जब मैं कॉलेज में था तब तो बढ़िया था ये वाला रास्ता, अब पता नहीं क्या हुआ इस रास्ते को। तो तुम बोल रहे हो कुछ नहाने का क्या फायदा हुआ, स्कूल से ये खोलना बस से पहुंच गया। शशांक भाई वगैरह वेट कर रहे हैं, पहनाओ इसको हाथ को, शाबाश। संडे राइड कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे हो रही है खत्म, मैंने तो भाई अपना गोप्रो चार्ज किया बढ़िया फुल पावर, उसके बाद देखते हैं क्या बनता है। तो गाइस बढ़िया 12 बज गया और टाइम भी हो गया ज़्यादा और धूप लग रही है इतनी ज़्यादा, रिबू भी आ गया, रिबू से मिल लेते हैं, सब चलने का टाइम आ रहा है। तिवारी कल आए हो फिर आराम से, ठीक है ठीक है चल, तू तो चल ही रहे ना। तो गाइस रिबू भी आ गया बढ़िया, देखो रशियन लग रहा है बढ़िया, बुक कर लो इसको। बाय बाय शूलिनी, तो यार आज की राइड बढ़िया
तगड़ी राइड रही है बस। अब यहाँ से जाएंगे हम सोलन से, हो गए आए थे हम कुमारहट्टी हो गए। मैंने बोला था इनको यहीं से चल लो, बड़े बोल रहे नहीं यार रोड नहीं अच्छा, ये वो फलाना डिमकाना ना, बस लाइक ठीक है भाई चलो जैसा आप बोलते हो वैसा ठीक है। बस ये है अपना फेवरेट ट्रैक। अगर आप लोग मेरा कोई अगर आप लोग मेरी कोई पुरानी शूलनी की वीडियो देखेगी तो आपको लग जाए ये तो आपको लग जाएगा पता हम कैसे चलते थे यहाँ पे। पीछे रिपोर्ट नहीं क्या ही बात कर रहे, इसको सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा होगा। करियो कॉल आइयो चंडीगढ़, पारुल को भी लेके आइयो। हाँ ठीक है ठीक है ओके। तो आ रहा है पर गर्मी लग रही है इस टाइम बहुत, पछता रहा हूँ मैं हुड पहन के। देखा जाए यहाँ से पंचकूला है 55 किलोमीटर और पंचकूला से 5 के। ओ भाई ट्रैफिक मत दिख मेरे को मन, ये देखो 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 पीछे नहीं देखते बंदे। एक ट्विस्ट है शशांक भाई चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, बादल मैं चलाऊंगा थोड़ी देर के लिए इनका बीस्ट क्योंकि थोड़ा सा चेंज करता हूँ ना। तू बार भाई चलाएगा R15 और ओ भाई कितना झुक के बैठा बढ़ रहा है इसमें भाई साहब। गाइस मैं सच बताऊँ ना बादल और इसकी पोजीशन में दिन रात का फर्क है, एकदम ऊंचाई से ऐसा लग रहा है मैं नीचे बैठ गया हूँ। हटो हटो वाओ नाइस। ये है बादल गाइस, मेरे ना हाथ दुखने लग गए इस पे इतनी देर में ही। ये तो यार 390 से भी नीचे है ये। बहुत ही नीचे है यार मैं सच बता रहा हूँ, सर्वाइकल दर्द हो जाएगी मेरे को, मेरी कमर में भी दर्द लग जाएगी। हाय 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 सच में हाथों में दर्द लगी मेरे भाई, ये बहुत ही नीचे है बहुत ही अग्रेसिव है। मज़ा तो आता है, मज़ा तो आया भाई। बादल पे कैसा लगा फिर? बादल आउट ऑफ कंट्रोल मोड भाई मेरे को भी इसका वो नहीं, एकदम मैं उससे इस पे बैठा हूँ ना ऐसे लग रहा था कि लेटा ही हूँ मैं, दर्द लगी कमर कुमर में मेरी हर जगह। फिर से बादल पे बैठ के बड़ा अच्छा सा लग रहा है भाई, मेरे हाथ दुख गए यार उसमें बैठ के, बहुत ही नीचे है। ओ भाई यहाँ तो अलग ही टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, आई लव हिमाचल। हो लोग ही लोग नहीं यार इतना क्रेज। गाइस कुछ तो गस्सा हो गया है यहाँ पे, बजा दी क्या गाड़ी भाई जी। हर कुछ गलत ही थ्रिल दे दिया हुआ था अभी 2 सेकंड के लिए। चलो फिर तो गाइस फाइनली पहुंच गया हूँ रूम पे और भाई हालत इस टाइम इतनी खराब हो रही है ना, मैं तो टायर को देख रहा हूँ टायर ने पूरा साथ दिया मेरा फुल पावर, और इतनी ज्यादा धूप है ना हर कुछ भयंकर धूप लग रही है, शक्ल के बच गया बाहर है, इतनी गर्मी लग रही थी ना हुड पहन के आया हुआ था। तो आई होप आप सबको इस वाले व्लॉग में मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ, अब तक के लिए पीस आउट। आवाज़ भी नहीं आ रही है मेरे को, कान भी बंद हो गया।